थोड़ी चैटिंग ये मोदी जी है, उनका कमाल है। हर कार्यकर्ता जो एक निष्ठा के साथ जुड़ा रहता है, किसको कब मौका मिल जाए, और मोहन जी यादव को मौका मिला है, मेरी ढेरों सारी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश अभेद गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ रहेगा। तो यहाँ पर भी चौंकाने वाला नाम आ सकता है? मेरे को कोई अधिकार नहीं इस पर, मैं टिप्पणी करूँ। ये निर्णय करने वाला इलाकावार निर्णय करेगा। कल इस समय आपके सामने रूप रहोगे राज्य के नए मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा, ओबीसी चेहरा, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में क्या सामान्य है या ऐसी वर्ग? हम कहने के अधिकारी नहीं है, कपोल कल्पित बातें मैं कैसे कह सकता हूँ। डोडरा साहब मध्य प्रदेश में यादव जैसा चौंकाने वाला चेहरा आ गया। जमीनी कार्यकर्ता जिन्होंने पूरा जीवन सिद्धांत के साथ सिद्धांत की राजनीति की, जिन्होंने उप शिक्षा मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश को शिक्षा के नए पायदान पर पहुंचाने का काम किया, अगर वो मुख्यमंत्री बने इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? थोड़ी चैटिंग। मोदी जी है, उनका कमाल है। हर कार्यकर्ता जो एक निष्ठा के साथ जुड़ा रहता है, किसको कब मौका मिल जाए, और मोहन जी यादव को मौका मिला है, मेरी ढेरों सारी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश अभेद गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ रहेगा। तो यहाँ पर भी चौंकाने वाला नाम आ सकता है? मेरे को कोई अधिकार नहीं इस पर, मैं टिप्पणी करूँ। ये निर्णय करने वाला इलाकावार निर्णय करेगा। कल इस समय आपके सामने रूप रहोगे राज्य के नए मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा, ओबीसी चेहरा, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में क्या सामान्य है या ऐसी वर्ग? हम कहने के अधिकारी नहीं है, कपोल कल्पित बातें मैं कैसे कह सकता हूँ। मेरे साथ मेरी तरह ही चुनाव में पराजित हुए रामलाल जी शर्मा है, राजनीति के ज्योतिषी है, वो कुछ बता सकते हैं। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।